हाय एवरीवन, दिस इज़ भूवे और मैं अब पार्ट 2 में आ गया हूँ टॉप 5 रीजंस टू नॉट बाय Asus FX505dt। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बैटरी के बारे में। इस लैपटॉप की बैटरी सिर्फ 3 सेल बैटरी है और मैं क्लियर बताऊँ, इस लैपटॉप की बैटरी बहुत ज़्यादा एवरेज है। हर लैपटॉप की तरह हर लैपटॉप की बैटरी जैसे कि एवरेज होती है, इसकी थोड़ी बिलो एवरेज ही बैटरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें अगर आप गेमिंग करोगे तो आपको मतलब अच्छी बैटरी नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मल अगर आप वीडियो प्लेबैक भी करोगे तो भी आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है। चार्जिंग स्पीड अच्छी है इस लैपटॉप की। मैं एक बैटरी वाला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरी बैटरी बताऊँगा कितने घंटे लगे, किसको क्या लगा। पर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि इसकी बैटरी बिलो एवरेज है मेरे हिसाब से, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा इसकी बैटरी से। सेकंड है बिल्ड क्वालिटी। इसकी मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर मैं इस लैपटॉप को मतलब खोलता हूँ या बंद करता हूँ तो क्रीकिंग साउंड आती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसे लैपटॉप में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दावा करते हैं कि इसमें मतलब यहाँ लिखा है सर्टिफाइड टफनेस है, कुछ है कि आप मिलिट्री ग्रेड है, कि आप लैपटॉप मतलब ऊपर से नीचे गिरोगे थोड़ी सी फीट से तो मतलब कुछ होएगा नहीं, और छत से ना फेंक देना तब तो बिल्कुल ही टूट ही जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी फीट से भी मेरे हिसाब से टूट ही जाना है लैपटॉप। मतलब मैं अब टेस्ट तो करके आपको दिखाऊंगा नहीं कि भाई ऊपर से नीचे फेंकूंगा लैपटॉप, ठीक है। 50,000 का लैपटॉप है यार, पर बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत एवरेज है इसकी बिल्ड क्वालिटी। थर्ड है, इसमें आपको USB Type-C पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। USB Type-C पोर्ट आपको मतलब चार्जिंग में हेल्प करता है कि आपका अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आप अपने पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं लैपटॉप्स को, पर आपको इसमें Type-C पोर्ट तो देखने को मिलता नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं डाला इन्होंने, ठीक है, क्योंकि आपको तो नई जनरेशन का लैपटॉप है जिसमें Type-C पोर्ट होना चाहिए था। Type-C पोर्ट नहीं है तो आप अपने पावर बैंक से इस लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें Type-C पोर्ट ही नहीं है, ठीक है। फोर्थ है, इसका माउस पैड बहुत एवरेज है। मतलब साइड में अगर मैं करूँ तो देख सकते हैं आप कि अच्छा फील नहीं होता है माउस पैड में, और इसका माउस पैड थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्स करना भी कभी कभी बंद कर देता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरी यूनिट में दिक्कत है या किस पे, इसलिए मैं तो इसे हमेशा माउस के साथ ही चलाता हूँ, कि माउस के साथ थोड़ा अच्छा भी लगता है लैपटॉप चलाने में, थोड़ी सी मतलब स्मूथ फीलिंग आ जाती है माउस के साथ चलाने में। फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ तो मतलब कोई मेरे को वैसे तो फिफ्थ पॉइंट याद नहीं आ रहा था इसका कि मतलब क्या फिफ्थ पॉइंट हो सकता है, पर एक चीज़ है कि इसमें थोड़े बहुत बग्स आ जाते हैं कभी कभी। पहले एक बग आया था कि अगर मैं मतलब अगर मैंने नॉर्मल होम स्क्रीन खोली हुई है और मैं इसको जैसे बंद कर दूं लैपटॉप को और फिर ऑन करूं तो लैपटॉप ऑन हो जाता था, मतलब स्लीप मोड में जाके फिर ऑन हो जाता था। पर अगर मैंने जैसे यूट्यूब खोला हुआ है या कुछ खोला हुआ है लैपटॉप में तो फिर मैं उसी टाइम बिना मिनिमाइज करे अगर लैपटॉप को मैं बंद कर देता था, स्लीप पर डाल देता, फिर ऑन करता तो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो जाती थी। पर अब ये सॉल्व हो गया इशू। तो मतलब कुछ बग्स ऐसे से आते रहते हैं लैपटॉप में, पहले थे अब नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपको बता ही दूँ जो जो चीज़ें आई हैं इस लैपटॉप में, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस लैपटॉप के साथ। वैसे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर आपको इसके टॉप 5 रीजंस टू बाय देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको लैपटॉप बाय करना है, क्योंकि ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, इस रेंज में किलर लैपटॉप है मेरे हिसाब से, सब लैपटॉप को किल कर देता है लैपटॉप, तो बेस्ट बाय लिंक लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक ही होएगा। अब उससे बाय कीजिएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, पर मेरे को थोड़ी या चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी वजह से। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।